नमस्कार, इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। यूपी में मासूमों के साथ दरिंदगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अलीगढ़ और हरामीरपुर में मासूमों संग हुई दिल दहला देने वाली वारदातों के बाद अब जालौन में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक 8 वर्षीय मासूम का शव नग्न अवस्था में खेतों में पड़ा मिला। मासूम के गले में सलवार का फंदा भी था, जिसकी आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद आरोपी ने उसका गला घोटकर निर्मम हत्या कर शव को फेंक दिया गया। घटना के बाद इलाके लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मामले की सूचना मिलने पर झांसी रेंज के DIG ने मौके मुआयना किया। वहीं महिला राज आयोग की सदस्य ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। इलाके में इतिहास के तौर पर भरी पुलिस बल तैनात रहा। 4 बजे से लड़की हमारी गायब हो गई, हम ढूंढते रहे साहब, ढूंढते रात भर ढूंढी हमने, सुबह ढूंढी करीब सुबह 9 बजे के बाद में किसी ने हमको बताया, गांव वालों ने, हम गए उमन से वो हसरी लगी थी साहब। क्या उम्र थी आपकी बच्चे की? और 7 साल की थी। अब हम क्या बताएं, कौन ने मारा, किसने मारा, ये नहीं मालूम था। किस अवस्था में बच्ची मिली थी? हमें अवस्था का बिलू आए भाई, मैं मूल धरू तो पुलिया से एक से मार के ले आए थे खड़ी चटवाई, तो बिलू ने रखी थी, तो हमें बताया गया तो गए थे, फटरी गली से बंधी थी फटरी, वहाँ से छाइन उठाए हमने डर गई, तो सब लोग देखा रहे वहीं, पुलिस को फोन करो या पुलिस आई, हमारे तजमिया बाकी उतार के बड़ी से फटरी लगाई हुई। ये जनपद जालौन के थाना कुठौंद में ये गांव है बिजबहा, 7 साल की एक बच्ची जो कल शाम को 4 बजे गायब हुई थी, और आज उसकी सुबह गांव से लगभग 350 मीटर की दूरी पर खेत में वहां पर बॉडी मिली है। जैसी सूचना मिली, घटनास्थल निरीक्षण जो है पुलिस अधीक्षक जालौन एडिशंस भी और बाकी अधिकारियों द्वारा किया गया। मैं भी इस समय घटनास्थल पर हूँ और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया है। इस संबंध में वादी के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिस पर 302 दूसरे एक IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है, और शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की हम इंजारी कर रहे हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, और घटनास्थल का निरीक्षण करने के उपरांत बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो कि विश्लेषणात्मक पहलू हैं, हम उनके डीप में जाएंगे, तैसे उसका उसकी तहकीकात करेंगे और जो है इस केस को जो है इसको अंजाम तक हम पहुँचेंगे। पोस्टमार्टम के लिए भेजा हमने, और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो हम आपको इस संबंध में बताएंगे। मोटिव क्या रहा सर इसका? और जो मोटिव के बारे में जो इनके जो वादी ने 2 लोगों को जो है इसमें नामजद भी किया, जिसमें 302 दूसरे एक IPC का अभियोग हमने पंजीकृत किया है, उसको भी जो है उसके भी जो एंगल्स हैं उसका भी हम बारीकी से तहकीकात कर रहे हैं, बाकी सारे बिंदुओं को हम समाहित करके और बिल्कुल गहनतापूर्वक इसकी विवेचना करेंगे। आपने यहाँ का दौरा किया है, क्या मामला है? एक्चुअली आज मेरा प्रवास जालौन डिस्ट्रिक्ट जालौन के उरई में था। उरई में मेरा एक औचक निरीक्षण था और साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यक्रम। लेकिन जैसे जब मैं उरई मुख्यालय पे पहुंची तो वहां मुझे ये ज्ञात हुआ कि ये डिस्ट्रिक्ट जालौन के कुठौंद थाना अंतर्गत ये जो ग्राम है आपका बिजबहा, इसमें एक छोटी सी बच्ची की हत्या कर दी गई है। तो वो उसी के घटना स्थल पर एक स्थलीय निरीक्षण और एक्चुअली उसकी वजह क्या थी, क्योंकि अभी लगभग 72 घंटे के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश भर में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और ये घटना की एक पुनरावृत्ति थी, ऐसा क्यों हुआ, ये कारण जानने के लिए और पुलिस में कि इसमें कितना जो है इस अपने संज्ञान में लेकर इस कितनी तत्परता के साथ में इसमें अपना कार्य कर रही है, वो देखने के हेतु मैं आज इस जगह पे अभी यहाँ उपस्थित हुई हूँ। और मैंने देखा कि यहाँ पुलिस के SSP महोदय, स्थानीय स्तर पे जो है हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैंगे SSP हैं और DIG इस रेंज के यहाँ मुझे मौजूद मिले, और निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें जो भी दोषी व्यक्ति है, जब पुलिस ने इतनी गंभीरतापूर्वक और त्वरितता से ये कार्य अपना किया है, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा वो बक्सा नहीं जाएगा। और ये सरकार है योगी की, इस योगी की सरकार में अपराधी अगर अपराध करके आसानी से निकल जाए, ये नामुमकिन है।